हाय दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि कैसे अपना मसल मास आप प्रिजर्व करें, स्पेशली ये लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन में कोरोना के चलते काफ़ी फिटनेस सेंटर बंद हो रखी है, जिम का एक्सेस नहीं है। बहुत लोग जो पहले ही भी वेट उठाया करते थे, उनको वो ऑप्शन अभी नहीं मिल पा रहा है। घर पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन होम वर्कआउट कैन नॉट रिप्लेस कम्प्लीटली जो आप वेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अपनी मसल मास को आप कैसे प्रिजर्व करें, स्पेशली लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में इनफैक्ट मैं खुद देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की फैट बढ़ गई, मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स के पास। कुछ लोगों की अपनी पुरानी जीन्स नहीं आ रही है, कुछ लोगों का साइज बढ़ते जा रहा है, ऑब्वियसली फैट बढ़ा है, एंड एट द सेम टाइम आपकी मसल मास भी गिर रही है। तो आज का फोकस रहेगा हाउ टू प्रिजर्व देम फ्रॉम होम इन द लॉकडाउन। लेट्स सी दैट। डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आपकी कोई फीडबैक है तो प्लीज मुझे बताइएगा, आई विल वेट फॉर। ओके, तो पहले ये समझते हैं कि किस तरह के लोग मसल लूज करने वाले। हर कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप लॉकडाउन के पहले काफ़ी हेवी वेट ट्रेनिंग करते थे, विच मीन्स कि आपके बॉडी के मसल को बहुत ही एक्सटर्नल वेट की ज़रूरत होती थी स्टिमुलेट करने के लिए, वो आपको स्टिमुलेशन अभी नहीं मिल रही है। एज अ रिज़ल्ट आपकी ज़्यादा चांसेस है कि आप मसल लॉस कर सको। लेकिन अगर आप कोई हेवी जिमर नहीं थे या हेवी वेट ट्रेनिंग में नहीं थे, तो आप बिल्कुल आराम से मसल को एटलीस्ट प्रिजर्व कर लोगे। और ऑब्वियसली मसल को प्रिजर्व करने के लिए दो सेक्शन है जिसमें आपको काम करना पड़ता है। एक तो डाइट है, उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन दूसरी है जो आपकी वर्कआउट है। और नोइंग कि आप घर पे हो, तो घर से आप क्या क्या वर्कआउट कर सकते हो। घर से आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन वर्कआउट नहीं कर पाओगे कि आज सिर्फ बाइसेप्स करना है या फिर आज मुझे सिर्फ ये चेस्ट करना है। तो मेरी सजेशन रहेगी कि आपको पहला तो प्रॉपर वार्म अप डेफिनेटली करो। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बना रखी है फुल बॉडी मिक्स वार्म अप, आप चेक कर लेना, मैं आई बटन में डाल दूँगा। तो आप वार्म अप कर लो, पहले फुल बॉडी वार्म अप करो, और कोशिश करो कि वीकली 5 डेज आप वर्कआउट करो, जिसमें 2 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करो और 1 दिन एटलीस्ट 1 दिन आप लोअर बॉडी करो और 1 दिन चेस्ट कर लो, और 1 दिन स्किल ट्रेनिंग कर सकते हो आप। मतलब 2 दिन फुल बॉडी, 1 लोअर, 1 चेस्ट। और स्किल्स ट्रेनिंग में मैं जैसे आपको हैंड स्टैंड सीखना है तो वो ट्राई करो, आपको एल सिट पे बैठना सीखना है हाथों में, कैलिस्थेनिक्स की कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो वो ट्राई करो, कुछ टाइकोंडो के बाद किक्स सीखनी है तो वो ट्राई करो। एक दिन अपने कुछ स्किल सेट को इम्प्रूव करो। मैंने कुछ इनफैक्ट टाइकोंडो की भी वीडियो बना रखी है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स की भी पुलअप्स जैसे सीखने की है, आप वो ट्राई करो। एक दिन स्किल को इम्प्रूव करने में रखो। सेकेंड पॉइंट है आपको कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। ऑब्वियसली मसल मास को बिल्डअप करने के लिए कैलोरी सरप्लस में होना पड़ता है, लेकिन आप अभी मसल बिल्डअप पे फोकस बिल्कुल मत करो, शायद आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है वो टूल्स की, वो स्पेस की, वो ट्रेनिंग की। घर से आप जितना कर सकते हो लिमिटेड है, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिल्डअप ग्रेट मसल्स इन दिस टाइम एटलीस्ट। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम कैलोरी डिफिसिट में भी ना जाए, एटलीस्ट बहुत मेजर डिफिसिट में नहीं रहे। तो मसल को आपको प्रिजर्व करने के लिए, इनफैक्ट जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं टारगेट करता हूँ कि मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को हिट करूँ, ऑलमोस्ट 90% टाइम हिट करता हूँ। कभी नहीं किया तो मेक श्योर के सेकेंड डे उसे नॉर्मलाइज कर लूँ, क्योंकि मसल को प्रिजर्व करने के साथ साथ बहुत लोग फैट गेन भी कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली फैट गेन का एक जो मुझे रीज़न दिख रहा है कि हम लोग की खाने की क्वालिटी, घर पे बैठे हैं तो बहुत लोग नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं, केक्स बन रही है हर एक आदमी के घर पे, हर एक आदमी कुछ स्वीट्स बना रहा है घर पे, या आपकी वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है, मदर फादर कुछ ट्राई कर रहे हैं। केक तो मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट हर एक लोग बनाते ही जा रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, कैंडीज़ बना रहे हैं, समथिंग यूट्यूब पे देखा, कोई नया डिश देखा वो बना लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम है लोगों के पास एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपके रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो आप कभी कुछ अपना फेवरेट चीज़ जो आप पहले ऑर्डर करके खाते थे आप उसको खुद से बना रहे हो। जलेबियाँ भी बन रही है घर में,
विच मीन्स कि आपकी खाने की इनटेक ऐसी हो गई है जो कि फुल ऑफ, मैं बोलूँगा कि शुगर फूड है, कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई फूड है, वो क्लीन फूड में नहीं आती है। तो आप मसल को प्रिजर्व करो, साथ में जो आपकी क्वालिटी ऑफ फूड जो आपने लेना शुरू कर दिया है, एंड रीज़न सिंपल है, पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग इन किचन, तो वो आपको फैट ऐड कर रही है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली कुछ टेस्टी और हेल्दी फूड क्या क्या बन सकते हैं, उसके क्या ऑप्शंस हैं, और मैंने उसकी वीडियो शूट की थी, और आप मेरे चैनल पर चेक कर सकोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स डाल दूंगा स्पेसिफिक फूड जो इजी है, टेस्टी है, और हमें लॉकडाउन में इसलिए भी खाना चाहिए कि हमें अपनी इम्यून पावर को भी इम्प्रूव रखना है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये ऐसा समय चल रहा है कि आपको नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो जाएगा तो काफ़ी टेंशन हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप कोई भी कैलोरी डिफिसिट में ना जाएं, और जाना भी है तो 10% से नीचे ना जाएं, और ये मेक श्योर करें कि आपकी पूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, आप विटामिन सी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपको जिंक जा रही है कि नहीं बॉडी में, एक होलसम डाइट पे आपको रहना है। होलसम डाइट में आपको अप्रॉक्स मैं बोलूँगा कि एक एवरेज इंडियन को, अगर आप मेल हो तो 2000 कैलोरी 2200 कैलोरी के आसपास खाओ। ऑब्वियसली आपकी एग्जैक्ट कैलोरी रिक्वायरमेंट तो आपकी हाइट, वेट, एज, आपकी लाइफस्टाइल पे ही पता चलेगा, जो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर देख सकते हो, बहुत सारी ऑनलाइन कैलकुलेटर है। अगर आप फीमेल हो तो अराउंड मैं बोलूँगा कि आप बिटवीन 1500 टू 2000 कैलोरी के आसपास आप खाओ, एवरेज फीमेल, ऑब्वियसली मैं कोई स्पेशल केस नहीं बता रहा हूँ, एवरेज के लिए चलेगा। मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर कर रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे स्पेशली जब से वो जिम वम नहीं जाना है, एक्सरसाइज करना काफ़ी बोरिंग हो जाता है कभी कभी, तो मैं क्या करता हूँ कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, सुबह उठा 30 पुशअप्स मार लिया, नहाने के पहले 30 पुशअप्स मार लिया, नहाने के बाद एक 30 पुशअप्स मार लिया, खाने के पहले मार लिया, खाने के 2 घंटे बाद शायद मार लिया, ऐसा ऐसा 30 पुशअप्स अगर आप 10 बार मार ले तो 300 पुशअप्स हो जाती है, 300 पुशअप्स इज़ अ गुड वॉल्यूम। और सच पूछो तो मैं कभी भी एक्सरसाइज करने का विंडो नहीं निकाल रहा हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, काम करने के साथ एक पुशअप्स मार लिया, फिर काम करना स्टार्ट कर लिया। तो ये स्मॉल स्मॉल हैक है विच इज़ लाइक मैं एक्सरसाइज कर भी रहा हूँ और मेंटली मैं फ्री भी हूँ कि मुझे एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन को निकाल के नहीं रखना है पूरे दिन में से कि 1 घंटा मुझे आज स्पेंड करने ही। कभी कभी हो सकता है आपके पास 1 घंटा नहीं मिले, डिपेंड करता है आप किस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे कभी कभी नहीं मिलता है, मैं दिन भर कॉल्स में लगा रहता हूँ या फिर कस्टमर कॉल्स, नॉर्मल अपनी नॉर्मल जो वर्क लाइफ है वर्क फ्रॉम होम में, तो उसमें आप कभी कभी कॉल पे जब आपको नहीं बोलना होता है आप एक पुशअप का सेट्स मार सकते हो। तो आप 1 घंटे अपने निकाल नहीं रहे हो, लेकिन नहाने के पहले, खाने के पहले, ब्रश करने के बाद आप देख लो, आप 30 मार लो, 20 पुशअप्स मार लो, बाय एंड ऑफ द डे आप अच्छी खासी वॉल्यूम एक्युमुलेट कर लोगे, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प। डोंट यूज़ लिफ्ट, अगेन मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी भी फ्लोर पर रहते हो, अगर आपका एज 50 से कम है, अंडर 50, तो और आप मेडिकली फिट हो, मतलब आपको कुछ एंकल प्रॉब्लम या नी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप किसी भी फ्लोर पर रहते हो लिफ्ट मत यूज़ करो। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा किसी भी फ्लोर पर रहता हूँ, और कुछ लोग बोलेंगे मैं 30th फ्लोर पर रहता हूँ, तो वो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि 10-12 फ्लोर तो चले, उसके बाद लिफ्ट यूज़ करना स्टार्ट करें, कम से कम 10 फ्लोर आप बिना लिफ्ट यूज़ करें, उसके बाद आप लिफ्ट ले लो, और 50th फ्लोर पर रहते हो 10 के बाद की वाली देख लो। तो लिफ्ट यूज़ करना बंद कर दो, जिम का टाइम मत खोजो, ब्रश के पहले, ब्रश के बाद, नहाने के पहले, नहाने के बाद, लैपटॉप पर काम करते हुए, एक मीटिंग के बीच में, मीटिंग के बाद, आप कर सकते हो ये सब। सो डू लाइक द वीडियो, गिव मी फीडबैक, एंड रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग भी स्टार्ट किया है fityouall.com, आप उस पर जाएँ, फिटनेस की कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आप, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होगी। सो स्टे फिट, टिल देन गुड बाय।